कृष्णा, ये प्रभु भी हमारे एक घोड़ा एक जगह है मोहन नगर, हरे कृष्ण मोहन नगर में ये प्रभु वहाँ भी प्रचार करते हैं, वहाँ पर भी प्रचार करते हैं मोहन नगर में। ये प्रभु भी महाप्रभु द्वार में कुछ आपको बताएंगे। हाँ, इनको साथ में भी कुछ भक्त लोग आए हैं। कहाँ से आए हो? मोहन नगर से। हाँ, ये कितना कितना बार हो गया आना? तीन बार हो गया ना। देखो, जिसको एक बार चस्का लग जाती है ना, जिनको एक बार नवद्वीप धाम की आए, जो एक बार नवद्वीप धाम में आए, जिसको चस्का एक बार लग गया ना, बास वो चस्का छोड़ती नहीं। नवद्वीप धाम परिक्रमा का समय होते ही वो सबके सब उतावला हो जाते हैं। कब नवद्वीप धाम जाएंगे, कब नवद्वीप धाम जाएंगे, कब महाप्रभु का धाम में कब जाएंगे और कब को कब परिक्रमा लगाएंगे। इनको भूत भूत की सवार हो जाती है। साधारण भूत लग जाए ना वो तो उतर जाती है, लेकिन ये भूत कभी उतरती नहीं। यहाँ पर खाना ठीक से नहीं मिलता है, सोना भी ठीक से नहीं, घर भी ठीक से नहीं मिलता, लेकिन महाप्रभु का जो कृपा है ना, महाप्रभु का जो आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए क्या क्या चक्कर है, नीचे में इस सबको लेकर आ जाओ, क्योंकि ये इन लोगों में निमंत्रण दिया ना मेरे भक्तों को, इसलिए मैं सोच रहा था एक दिन इनको साथ में एक दिन थोड़ी सी इनको थोड़ा बोल दूं, हर साल आ जाए, इसलिए मैंने अपना भक्तों को बुला लिया। एक बार आकर के थोड़ी सी नीचे में आ रहा हूँ, ये सबको लेकर के आ हूँ। नीचे कुछ भक्त है कि नहीं? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ जल्दी जल्दी। चलो, हरे कृष्ण। नमो विष्णु पदाय राधिकाए प्रियात्मने शिशिमते भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी ती नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम कुर सम्भांतम नारायणम त्वं सिरसाम नमामि। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले शिशिमते भक्ति वेदांत स्वामी ती नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन द्वारांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्रीमन नवदीप किशोर चंद्र हानात विशंबर नागरेन्द्र हाथी सचिनंदन चित्त चोर हे विष्णु प्रिय से गौरव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद त्रिद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे महाप्रभु कौन है आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आप जो पहली बार भी आए तो कुछ हरि कथा सुन के ही आए होंगे, उनको किसी ने प्रचार प्रसार करके ही यहाँ तक लाए होंगे, तो उन्होंने बताया हुआ होगा कि महाप्रभु कौन है। महाप्रभु के विषय में श्री गुरुदेव बोलते थे, महाराज जी बोलते थे कि बड़ा सीधा सिंपल सा एक शब्द है कथाओं में आता है कि महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य रूपानुग जनेरा जीवन। इतना भी हम समझ गए, बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है शास्त्रों के ग्रंथों के, इतना भी हम समझ गए कि महाप्रभु कौन है। महाप्रभु श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, बस। ये कौन है? ये स्वयं ही राधा कृष्ण मिलित स्वरूप है।
क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण जिस प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे, किस प्रेम का? जिस प्रेम का आस्वादन श्रीमती राधा जी करती हैं, तो उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्रीमन महाप्रभु रूप में कृष्ण आते हैं। उनकी भाव वर्णन कांति लेकर महाप्रभु का धाम है, महाप्रभु है, परम दयालु नित्यानंद प्रभु है। हम लोग इस मनुष्य जीवन को पाए और पाकर सदगुरु देव पाए, इससे ज्यादा हमारे जीवन में और कुछ सुख नहीं हो सकता। हम जितने भी लोग यहाँ महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए हैं, आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी की सेवा, क्योंकि हम धाम सेवा भी नहीं कर पाएंगे, धाम अपराध हमसे होते ही रहेंगे। हम नाम सेवा भी नहीं कर पाएंगे, नाम सेवा करते करते नाम अपराध भी हमसे होंगे। लेकिन एक वैष्णव सेवा ऐसी है, वैष्णव सेवा में अपराध अगर हो भी जाता है तो वैष्णव कृपा कर उस अपराध को क्षमा कर देंगे। तो वैष्णवों के प्रति हमारा एक अनन्य भाव होना चाहिए, उनकी सेवा के प्रति हमारा एक अनन्य भाव होना चाहिए। महाप्रभु के विषय में इतना ही बोल पाऊंगा कि श्रीमन नवदीप किशोर चंद्र हा नाथ विशंबर नागरेन्द्र हा श्री सचिनंदन चित्त चोर हे विष्णु प्रिय से गोर। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि महाप्रभु कौन है कि श्रीमन नवदीप किशोर चंद्र, इस धाम श्रीमन नवदीप, इस नवदीप धाम के जो किशोर है वो कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है। नवदीप किशोर चंद्र हा नाथ विशंभर नागरेन्द्र हा श्री सचिनंदन चित्त चोर, और जो सची मैया के पुत्र हैं और जो भक्तों के चित्त को चुराने वाले हैं वो सचिनंदन गौर हरि, हम सब पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें कि हमको श्री गुरुदेव के माध्यम से वो अपने तक लेके जाएं और धाम हमारे ऊपर कृपा करें। बहुत कुछ अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां से महाराज आ गए हैं और उन्होंने बोल भी दिया महाराज जी को, महाराज जी जाएंगे भी, तो महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ। एक छोटा सा दृष्टांत मेरे को अपने जीवन का याद आ रहा है, वो बोल के मैं समाप्त करता हूँ 2 मिनट में, कि मैं किस प्रकार से श्री गुरुदेव के श्री चरणों में आया वर्ष 2004 में, और 2004 से 2005 की परिक्रमा श्री गुरुदेव ने प्रथम वर्ष पहली बार यहाँ आयोजित की थी। बहुत बड़ा पंडाल लगा था, टेंट लगा था, तब ये परिक्रमा यहाँ आरंभ हुई, तब से मेरा आना हुआ पहली परिक्रमा से, कंटिन्यू 3-4 वर्ष तक आते रहे। लेकिन जब एक चीज हम समझ लें, हमारे जीवन से जब भगवान के भक्तों का संग छूट जाता है तभी माया हमको आकर ग्रसित कर लेती है, तभी हमको माया आकर घेर लेती है। तो मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ वर्ष तक 5-6 वर्ष मैं इन भक्तों की संगति से थोड़ा सा दूर रहा। कारण बहुत सारे थे, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन साधुओं के संगत जाने पर ही माया अपना पूरा पूरा प्रभाव दिखाती है। तो हम जितना प्रयास करें, जितना हो सके साधुओं के संग करने का प्रयास करें, वैष्णव की सेवा करने का प्रयास करें। 5 या 6 वर्ष बाद महाराज जी से मैं मिलता ही रहता था बीच में कभी कभी, लेकिन महाराज जी का आगमन हुआ और महाराज जी ने विशेष रूप से मेरे ऊपर कृपा करी कि जीवन, ये मनुष्य जीवन जो है भगवान का भजन करने के लिए है भाई, और तुम तो इतने पुराने हो। महाराज जी बोले कि गुरु जी के तुम शिष्य हो, तुमको भजन करना चाहिए और तुम भजन कीजिए। तो महाराज जी की ऐसी उपदेश वाणी को सुनकर मैंने फिर से प्रयास प्रारंभ किया वर्ष 2013 या 2014 से। महाराज जी से बार बार मिलना होता रहा, महाराज जी की बड़ी विशेष कृपा रही। और मुझे ये याद इसलिए आ रहा है कि मेरे गुरुदेव श्री परमहंस स्वामी त्रिदंडी श्री नारायण गोस्वामी महाराज एक बार फरीदाबाद में वर्ष 2006 में कथा बोल रहे थे, बोले कि मेरा कोई भी शिष्य अपने कर्मों के कारण अगर वो नरक में भी जाएगा तो मैं उसकी चोटी पकड़ कर वहां से खींच लाऊंगा। तो मैं भी अपने आप को यही कह सकता हूँ कि कोई भगवान का भजन अगर नहीं कर रहा है तो वो नरक में ही बैठा है और नरक में जाने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे जीवन में भी वो क्षण आया, लेकिन महाराज जी के किस स्वरूप का मैं वर्णन करूं कि गुरुदेव जो बोले कि मेरा कोई भी शिष्य अगर अपने कर्मों के कारण नरक में भी जाएगा तो मैं उसकी चोटी पकड़कर उसको वहां से ले आऊंगा। तो मैं तो महाराज जी यही जानता हूं कि आप मेरे लिए मेरे श्री गुरुदेव से अभिन्न तत्व हैं, आपके ही रूप में श्री गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी मेरे जीवन में द्वारा आए, और पुनः पुनः मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने में जितना सहयोग आप मुझे कर रहे हैं उतना कोई और नहीं कर पाएगा। तो मैं आप ही के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को विराम करता हूँ। वांछा कल्पत्रु सच्चे कृपा सिंधु पतिता नाम पावन श्री वैष्णव नमो नमः। हरि बोल हरे कृष्णा। आ देखो
हरे हरे बोल। अब आवाज आ रही है साउथ बाहर, आवाज आ रही है। हाँ देखो, इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। करी करी आप लोग मेरे भक्त लोग हो। जैसे इसी साल आप लोग ने, आप लोग जैसे इसी साल बड़े उत्साह पूर्वक आए हो, इतना कष्ट सहन करते हुए, इतना परिश्रम करते हुए आए हैं। खाने भी ठीक से नहीं, पहनना भी ठीक से नहीं, सोना भी ठीक से नहीं। लेकिन बड़े हमारे जो बड़े गुरु जी थे, हाँ महाराज कहते थे, देखो घर में जब जाओगे ना, बोलना नहीं हम ठीक से सो नहीं पाए, बोलना नहीं वहां पर हमें खाना ठीक से मिला नहीं, बोलना नहीं हमें कोई परिश्रम हुआ है। इसलिए गुरु जी कहते थे जाकर बोलना, अरे क्या प्रसाद है, पालक पनीर, शाही पनीर, मटर चावल, और कल तो वहां पर बनाया था, क्या बनाया था, चाउमीन, अब कढ़ी पकौड़ा, कढ़ी पकौड़ा, रोज रोज अलग अलग प्रसाद, आइसक्रीम और रसगुल्ला और नवदिन का मीठा, नवदिन का दही है। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे, बड़े गुरु जी कहते थे जा करके सबको बोलना, और जब अगली बार आना ना, एक नहीं दस दस को लेकर के आना। कितने कितने को लेकर के आओगे? दस दस को लेकर के आना। जैसे हमारे कालीन दीदी है यहाँ पर, ये चली गई, कहाँ है, कहाँ कालीन दीदी, इसलिए उसने तो हर साल नए नए लोगों को लेकर के आती है, लेकिन कभी गाली भी सुनना पड़ता है उसको। हाँ, वहां पर घर ठीक से नहीं दिया, खाना ठीक से नहीं, तब भी वो कोशिश करती है, नहीं कुछ भक्तों को लेकर के चले धाम में, कुछ भक्तों को लेकर के चले हैं। इसलिए जो व्यक्ति दूसरों को उत्साह दे करके ले आती है धाम में, हैं, उसको ऊपर में महाप्रभु का विशेष कृपा होता है। महाप्रभु बड़े दयालु, बड़े कृपालु महाप्रभु है, और जो मार खा करके भी जो प्रेम देते हैं। इसलिए अगली बार सबके सब कोशिश करना, जितने आए तो आए हो, और अड़ोसी पड़ोसियों को भी लेकर के जाना है, क्योंकि महाप्रभु धाम में आओगे। स्वयं शंकर जी कहते हैं, बोले पार्वती पृथ्वी में जितने धाम हैं, अगर कोई एक एक बार नहीं, कोई करोड़ों करोड़ों बार चले जाए, पृथ्वी में जितने धाम हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अयोध्या, द्वारावती, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला और मान सरोवर, जितने पृथ्वी में तीर्थ है, कोई करोड़ों करोड़ बार जाए, उसमें जो पुण्य मिलेगा, एक बार श्री नवद्वीप धाम में अगर कोई आ जाए तो उससे करोड़ों गुण ज्यादा पुण्य मिलता है, सुकृत मिलती है। श्री नवद्वीप धाम में आने का इतने महत्व है, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ ले आओगे ना, महाप्रभु बड़े खुश उसको प्रवते। ठीक है, याद रहेगा अगली बार एक एक भक्त, कितने कितने भक्तों को लाओगे? कोई कोई कहते 20-20, बहुत बढ़िया है, 10 तो बढ़िया है, 20 लाओगे तो और बढ़िया है, और उससे ज्यादा लाओगे तो और भी बढ़िया है। ठीक है ना, इसलिए बोले से नवद्वीप धाम की, बोले से सच्चिदानंद गौर हरि की। अब ये बच्चा भी थोड़ी सी महाप्रभु बाहर पर, महाप्रभु दूसरे पर सुना बोल। हरे कृष्ण, ओ भगवान तिमिरांगस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चंडाल बिंदु में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चंडाल बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ।
समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम तथा यहाँ उपस्थित माता भाई बहन प्रभु सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने आज्ञा दी है कि हम इस धाम में क्यों आ गए, हम लोग किस कारण से नवदीप में आए हैं और हमें भजन क्यों करना चाहिए और महाप्रभु कौन है, इसके विषय में थोड़ी सी बात बताने के लिए। मैंने जो भी गुरुवर्गों से सुना या जो भी मेरा अनुभव है मैं उसमें से कुछ बात आपको बताने का प्रयास करूंगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। देखिए मैं दिल्ली के अंदर एक बार कथा सुनाते सुनाते बताया था कि हमें भजन क्यों करना चाहिए। जो व्यक्ति भजन नहीं करता उसकी स्थिति कैसी है ये भी पता करना चाहिए, ये बताया था। तो उसमें जितने लोग नए हैं मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बड़ी अच्छी एक बात है, बड़ी सुंदर एक बात है। सबको आवाज आ रही है? हरि बोल। सबको आवाज आ रही है? ठीक है। बड़ी सुंदर एक बात है। देखिए जैसे कि माता जी सभी लोग घर में रसोई बनाते, सभी लोग घर में रसोई बनाते, कभी बाजार गए, बाजार से जाकर के सब्जी लेकर के आए, बाजार से गए सब्जी लेकर के आए, बड़ी मुश्किल सब्जी लाए, पहले तो पैसा कमाया, पैसा कमा करके सब्जी लेकर के आए, सब्जी लेकर के घर में आ गए और फिर चूल्हे के सामने खड़े होकर एक घंटा दो घंटा सब्जी बनाई, हाँ रोटी भी बनाई और उसके बाद में जब खाने बैठे उसमें सब्जी जो बनाई ना उसमें हल्दी दिया, हाँ धनिया दिया, जो भी सब्जी बनाई आलू दिया टमाटर दिया सारी चीज दी, लेकिन जब उसको सब बना करके अंत में जब उसको खाने बैठे तो उसके अंदर नमक ही नहीं था। तो बताओ खाना कैसा लगेगा? खाना कैसा लगेगा? फीका फीका लगेगा। कैसा लगेगा? फीका लगेगा। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, इसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में हो सकता है कि हमारे पास बहुत धन हो सकता है कि हमारे पास बहुत बड़ा घर हो सकता है हमारा बहुत बड़ा परिवार हो सकता है बड़े सुंदर भी हो, हम जैसे सबसे सुंदर दुनिया में ना हो सकता है ना ऐसी बात। लेकिन अगर हमारे जीवन में ये अगर ये जो भजन नहीं है, ये जो भजन रूपी जो नमक अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन कैसा है? जैसे वो नमक बिना वो भोजन है, कैसा है? फीका। इस बात को कौन बताते हैं? इस बात को मीरा जी बताते हैं। कितने लोगों ने मीरा जी का नाम सुना? मीरा जी का नाम तो सबने सुना होगा। देखो वो बताती है बड़े सुंदर एक कीर्तन में, अंत में बताती है ये लाइन को, बोलती है मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, गिरिधर नागर, भजन बिना नर पी को अली मन लागे वृंदावन नी को। क्या बोलती है कि भजन बिना नर पी को। इसलिए ये जो स्थान है ये जो वो जो नमक भी हमारे जीवन में कमी है उस कमी को पूरा करने वाला ये स्थान है, ये नवदीप धाम भक्ति को प्रदान करने वाला। और यहाँ पे स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे अवतरित होकर के भक्तों को प्रेम दान देते हैं, जिसको की बताते हुए नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति रक्षा श्रीधर गोस्वामी महाराज एक बड़ा ही सुंदर उन्होंने एक रचना करी, एक काव्य रचना करी, उसके अंदर बताते हुए बोले प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम, प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम, प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम। ये जो प्रेम का धाम है, ये धाम कौन सा धाम है? प्रेम का धाम। ये प्रेम को प्रदान करने वाला ये धाम है और ये प्रेम भी कोई साधारण प्रेम नहीं, ये स्वयं राधा कृष्ण का ही है। और महाप्रभु स्वयं कौन है? राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। ये राधा भाव को लेकर के स्वयं कृष्ण ही अवतरित हुए हैं, स्वयं कृष्ण ही। बताओ दुनिया में सबसे ज्यादा दयालु कौन है? हाँ? सबसे ज्यादा दयालु भगवान है ना, सबसे ज्यादा दयालु भगवान है। भगवान से बड़ा कोई दयालु है क्या? लेकिन नहीं, बोलते हैं कि राधा रानी भगवान से ज्यादा दयालु। सबसे ज्यादा दयालु कौन है? क्योंकि ब्रज में कीर्तन गाते ना, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, गाते ना। सबसे दयालु कौन है? राधा रानी। देखो राधा रानी के अंदर सारे के सारे जितने भी गुण सप्त समुद्र रूपी जो ये गुण है ये राधा रानी के अंदर विद्यमान है। जितने भी ये समुद्र है जिसमें गुण बोला गया, जैसे लावण्य वात्सल्य, इसमें बोलते हैं विदग्ध सिंधु करुणावर सेक सिंधु वात्सल्य सिंधु अतिसांद्र कृपेक सिंधु,
लावण्य सिंधु अमृत च विराति सिंधु श्री राधा स्फुरतु मे हृदय केलि सिंधु। ये जो सप्त समुद्र राधा रानी के अंदर संपूर्ण रूप में विद्यमान है और इसीलिए राधा रानी से ज्यादा दयालु इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए ये जो राधा रानी स्वयं कृष्ण जब यही राधा जी का भाव लेकर के और राधा जी की अंग कांति लेकर के जब ये अवतार लेते हैं नवदीप के अंदर, जब नवदीप में जन्म लेते हैं तो सबसे ज्यादा दयालु कौन हो जाते हैं? श्रीमन चैतन्य। बोलो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। इसीलिए हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, पता नहीं हमारे जीवन में कौन सा ऐसा हमने काम किया था किसी जीवन में जिसकी सुकृति होने पर हम इस धाम में आ गए। इसीलिए यहाँ पर आने पर हो सकता है कि हमें वो सुविधा ना मिली हो सकता है हमें जो हम खाना दिल्ली में खाते वो भी ना मिला हो सकता है जिस एसी रूम में हम सोते हो, जिस कोमल गद्दे पे हम सोते हो वो भी हमें ना मिला हो, लेकिन जो वस्तु यहाँ पे प्राप्त होगी वो कहीं भी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा से हम इस जो प्रेम धाम के अंदर आ गए और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की नजर हम पर पड़ गई। जो एक बार इस धाम में आ जाता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो इस भगवान के धाम में जाएगा ही जाएगा। अगर गुरु और वैष्णव के चरणों में अपराध ना करे तो धाम में जाएगा ही जाएगा, इसमें गुरुवर्गों से सुना है। इसलिए हम सभी हाथ जोड़ करके गुरुवर्गों से और हमारे जितने भी गुरुवर्ग हुए हैं और हमारे गुरुजी उनसे प्रार्थना करते हैं कि इस धाम को समझने की शक्ति हमारे अंदर में आए कि हम कभी इस धाम की महिमा को समझ जाए, क्योंकि जो एक बार इस धाम की महिमा को समझ गया फिर और कुछ समझने की जिंदगी में शेष नहीं रह जाता। इसलिए मैं यही सबसे प्रार्थना करता हूँ और मैं जो गले में लिया है वही काम नमो विष्णु पादाय राधिकाय क्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी नामिने। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सिद्धऋणी स्वामी शिशु मृत्यु वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि अनुरोध प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म श्री पाद परमेश्वरी प्रभु के चरण कमलों में अनंत कोटि अनुरोध प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायोग्य अनुरोध प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आदेश हुआ है कुछ हरिकथा सुनाने के लिए। हम लोग यहाँ पे आए तो हैं, महाप्रभु के धाम में बैठे भी हैं, महाप्रभु के बारे में सुन भी रहे हैं, पर यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो जानते हैं प्रामाणिक तौर पर कि महाप्रभु हैं कौन? क्योंकि जितने अपसंप्रदाय हैं वो लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं महाप्रभु कोई भगवान नहीं है। हाँ, हम उन्हें कोई महापुरुष मान सकते हैं, कोई महाभक्त मान सकते हैं, कोई महाभागवत मान सकते हैं, पर उनको कोई भगवान मानना ये हमारे लिए स्वीकार करना बहुत कठिन है, ऐसा बोलते हैं। यदि कोई हमारे से ऐसे मिल जाए, कोई हमारे गुरुवर के ऊपर कटाक्ष करने लग जाए कि तुमने तो किसी को भी भगवान बना दिया, तो हमारे पास जवाब देने के लिए